अयोध्या में भगवान राम की भक्ति के अलग अलग रंग दिखाई दे रखे हैं। कोई सैकड़ों किलोमीटर दौड़कर भगवान के दर्शन के लिए पहुंच रहा है, कोई हजारों किलोमीटर साइकिल चलाकर नंगे पैर पहुंच रहा है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको भगवान राम के भक्तों की भक्ति के अलग अलग रंग दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे रोम रोम में राम बस गए हैं। पहले मिलिए मिथुन से, जो बिहार से अयोध्या पहुंचे हैं। अयोध्या की हर गली हर चौक चौराहे राममय हो रही है। इस वक्त मैं लता मंगेशकर चौक पर हूं और यहां पर बिहार से मिथुन महू आए हुए हैं। मिथुन जी, बहुत देर से मैं आपको सुन रहा हूं, क्या क्या सुनाने वाले हैं आज खबर अभी तक पर आप? बस भगवान के भक्ति में हम लोग चले आए हैं, पर उस श्री राम जी के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये कितने सालों बाद ये दिन आया है। आप नजारा देख सकते हैं, हम लोग इतना खुश है, देश विदेश से लोग आ रहे हैं श्रद्धालुओं के लिए। मैं सभी के सम्मान में, आप सबके भी सम्मान में एक गीत फिर मैं आप लोग को सुनाना चाहता हूं, क्योंकि मन भर नहीं रहा अभी तक। ये है कथा सनातन मर्यादा संग्राम की, है ये कथा सनातन धर्म के उत्थान की, ये गाथा है राम मंदिर के निर्माण की, ये गाथा है राम मंदिर के निर्माण की। सोने की चिड़िया भारत को बैरी बनाया था गुलाम, तंबू में रहने को भी बस थे भारत के राजा श्री राम। युग बदला साधु संतों ने चलो अयोध्या किया ऐलान, गांव गांव से कार सेवा में निकले युवा बन के हनुमान। भव्य मंदिर बन गया मान बड़ी है हिंदुस्तान की, भव्य जोश ठंडा मत कीजिए जोश, तो ताली बजा कर आप लोग। भव्य मंदिर बन गया मान बड़ी है हिंदुस्तान की, ये गाथा है राम मंदिर के निर्माण की, ये गाथा है राम मंदिर के निर्माण से। मगर मंदिर बनने में जो देरी हुआ है उसकी ये टीस उठ रही है दिल से। ये गीत नहीं, एक गाथा, एक ये मैं बताना चाहता हूँ। ये जो गीत आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, मेरे पिताजी श्री विनोद प्रसाद गुप्ता जी ने लिखा है और उन्होंने बोला है कि राम मंदिर के भगवान के शरण में गा कर आना, और आज आप लोग के आशीर्वाद से मैं गा रहा हूँ। मंदिर बनने में देरी से राम भक्त शर्मिंदा थे, मंदिर वही बनाएंगे प्रयास में हम सब जिंदा थे, जागा भारत सन 24 में मंदिर बन तैयार हुआ, 22 जनवरी राम भक्तों का सपना हर साकार हुआ। मंदिर न बनता तो जीवन हमारी किस काम की, मंदिर न बनता तो जिंदगी किस काम की, ये गाथा है राम मंदिर के निर्माण की, ये गाथा है राम मंदिर के निर्माण की, ये गाथा है राम मंदिर के निर्माण की। दिल में जुनून आंखों में राम भक्ति की चमक रखता हूँ, अरे दुश्मन की जान निकल जाए आवाज में इतनी दमक रखता हूँ, बोलो जय श्री राम। ये जोश जो है ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है, अयोध्या की हर गली में हर चौक चौराहों पर इसी तरह के गीत सुनने को मिल रहे हैं, जोश जो है वो भी दिख रहे हैं। मिथुन से बात करेंगे, मिथुन ये गीत किसने लिखे? ये गीत मेरे पिता श्री विनोद प्रसाद गुप्ता जी लिखे हैं, और मतलब वो मतलब हम लोग के पापा भी हैं और हमें कलाकारी लाइन में हमें सपोर्ट भी करते हैं, और उनके आशीर्वाद से ही हम अभी थोड़ा बहुत आप लोग के बीच में प्रोग्राम कर रहे हैं। और हमारा मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल दूं, ये गीत ये यूट्यूब पे भी आ गया है, तो बस नाम तो आपने मेरा ले ही लिया है, मिथुन महुआ। तो जिनको मन हो वो सुन सकते हैं, और एक गीत और है हमारा, मैं वो भी आप लोग को सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। किलो बन चुकी जन्म भूमि पर मंदिर श्री राम लल्ला की, अयोध्या तो एक झांकी है बारी है अब मथुरा की। ऐ दुनिया वालों सुनो, ऐ दुनिया वालों सुनो, हर वो कलंक मिटाएंगे। जो लोग मंदिर नहीं आ रहे हैं उसको ये जवाब है ये गीत, अरे सौगंध राम की खाए थे देखो मंदिर वही बनाए, सौगंध कृष्ण की खाए है मथुरा में भी डंका बजाएंगे। और आगे का जो हमारा इतिहास है वो बोलना चाहता हूँ, लुटेरों ने मंदिर को तोड़ा पर मान बहुत सारे हैं,
अयोध्या में बना के मंदिर झंडे हमने गारे हैं। बच्चा बच्चा श्री राम का, श्री राम के सम्मान का जयकारा सब लोग लगाएंगे। सौगंध राम की खाए थे, देखो मंदिर वही बनाए हैं। सौगंध राम की खाए थे, देखो मंदिर वही बनाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कसाए आपने जो लोग मंदिर नहीं पहुंच रहे हैं जी, उनको आना चाहिए। भगवान राम सबके हैं। लोग इसमें ये भी प्रचार कर दे रहे हैं, पॉलिटिकल भी बना दे रहे हैं कि भाजपा को लेकर ऐसे बोल रहे हैं कि भाजपा वाले इसमें राजनीति कर रहे हैं। जी बिल्कुल नहीं, वो अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम करने के लिए कोई पार्टी की जरूरत नहीं होती है। अगर वो सरकार में है, सत्ता में है, वो अच्छा कर रहे हैं तो वो अच्छी बात है ना। उनको सीख मिलना चाहिए और दूसरे लोग को, और वो बोल भी रहे हैं कि भगवान राम सबके, और नेता भी भेजे हैं। और आप मीडिया में ही मुझे देखने को मिला है, कुछ लोग आना नहीं चाहते हैं, तो आप मत आइए। भगवान को राम जो मानते हैं वो जरूर आएंगे। इसीलिए मेरा ये निवेदन है, अभी भी मैं मिथुन महुआ आप लोग से निवेदन कर रहा हूँ, देश दुनिया के तमाम श्रद्धालुओं से, कि जो लोग आए हैं वो आ ही गए हैं, और जो लोग नहीं आए, भगवान श्री राम सबके हैं। एक बार बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम।